जय से तो आज हम बात करेंगे बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने इन टॉपिकों को पढ़ लिया, इस इतना ही पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन सिलेबस पूरा करने के चक्कर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। अब सिलेबस के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। कुछ टॉपिक पढ़नी है, कुछ टॉपिक छोड़नी है और सिलेक्शन की गारंटी है। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप कॉपी कलम के साथ बने रहेगा, कुछ बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको यह भी मिलेगा कि सेशन में हम आपके साथ किन किन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभी फिलहाल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो पेपर जो फर्स्ट पेपर है, अगर हम बात करें पेपर जो फर्स्ट है आप सभी के लिए, ये आपका जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में या हम यू कह सकते हैं जो भाग एक है, इस भाग एक का जो पेपर होगा इसमें आपको क्वालिफाई करना है। ध्यान से समझिएगा, आज हम इस वीडियो में हर उन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। भाग एक जो है यह भाषा से, इसका नाम क्या है, भाषा। और भाषा में आपको पढ़नी है दो चीजें, क्या क्या पढ़नी है, दो चीजें। दोनों चीजों पर हम लोग सबसे पहला काम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली जो भाषा आपके लिए वो है आपके लिए हिंदी, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तब। दूसरा है अंग्रेजी। अब आज हम वीडियो में देखेंगे क्या आपको नहीं पढ़ना, यह भी बहुत जरूरी है। अब हिंदी में यहाँ पे 75 सवाल आएंगे 75 नंबर के, अंग्रेजी में 25 सवाल आएंगे 25 अंकों के, ये टोटल 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। निगेटिव मार्किंग नहीं, आपको जो क्वालिफाई अंक लाना है वो 30 लाना है 100 में। अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 100 में 30 नहीं ला पा रहे हैं तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट आपने पढ़ा है, बीटीसी किया है, बीएड किया है, तो आपने इतनी बार हिंदी पढ़ लिया होगा, केवल हिंदी में ही आप 30 नंबर ला सकते हैं, तो आप अंग्रेजी की बात ही दूर तक है। तो इसलिए जितने भी साथी आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसके लिए अलग से अपना टाइम मत निकालिए, अलग से कोई कोचिंग मत पढ़िए। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो हम आपको हिंदी अंग्रेजी क्लासेज नहीं देंगे। इसके लिए प्रैक्टिस सेट मार्केट से लेकर सॉल्व करिए। आधा घंटा प्रतिदिन आप रिविजन के लिए दे सकते हैं, 1 घंटा प्रतिदिन रिविजन के लिए दे सकते हैं, उसके बाद आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आपको केवल रिविजन करना है, अध्ययन और तैयारी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं जो पेपर दूसरा है, जो आपके लिए बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेपर टू भाग दो की बात करें, तो जो भाग दो है, अगर हम भाग दो की यहां पर बात करें, तो यहां पे जो आपका भाग दूसरा है, वहां पे उसे हम जीएस, जीके, विविध के नाम से जानते हैं। इस जीएस जीके अगर हम विविध की बात करें, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी। अब देखिएगा इस 45 दिन में आपके सामने क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर जब भी जीएस का हमारे मन में नाम आता है, जैसे हम जीएस कहते हैं, सबसे पहला यहां पर जो पहली लाइन है वो आपको मन में आ जाती है, सर पहला तो इतिहास होगा। अब इतिहास में आपको तीन इतिहास पढ़ने हैं। तीन इतिहास में अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन इतिहास पूरा नहीं पढ़ना, आपके पास समय कम है, क्योंकि अगर चाहे 40-45 दिन में आप एक विषय भी पूरा नहीं पढ़ सकते, तो प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ टॉपिक पढ़नी है, जैसे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, कुछ वैदिक काल पढ़ना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना है, उसके बाद कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं पढ़नी है, कुछ प्रमुख राजवंशों के द्वारा स्थापत्य संस्कृति कल्चरों से जुड़े हुए व्यक्तित्व को पढ़ना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। इससे अलावा जो चीजें होंगी वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैंने प्राचीन इतिहास की जो पूरी सीरीज होगी, ये आपको पूरी तरह से हर हाल में 8 से 10 घंटे में खत्म कर देनी है। बहुत ज्यादा मैंने बताया, वो आपको रिविजन के साथ में, उसके बाद इसके एमसीक्यू पे फोकस करना है। दूसरा है मध्यकालीन। अगर हम मध्यकालीन की बात करें, तो जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, यहां सब सवाल परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर स्थापत्य कला की बात करें, जो उस समय मध्यकालीन युग में जो सल्तनत काल था, मुगल काल था, उसमें जो स्थापत्य कला था, संस्कृति थी, कल्चर थी, प्रमुख स्मारक थे, वहां से सवाल खूब झोला भर भर के आते हैं। कालक्रम का जो उनका कालक्रम है उसको भी सेट करने के लिए आता है, क्योंकि परीक्षा बीपीएससी कराएगी, इसलिए परीक्षा के लेवल आप पूरी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तीसरा जो भाग है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। वो क्या है आपका, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ इसमें एक सेक्शन और जुड़ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां पर आपके सामने जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और सबसे ज्यादा अगर सवाल देखा जाए पूरे इतिहास में, जो आपको सबसे ज्यादा अध्ययन पढ़ना है वो आपको यही पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत में भी देखें, यहां पर भी हम दो चीजें, दो भाग हम डिवाइड करेंगे। यहां पर एक हम देखेंगे 1857 से लेकर, जो हम आपको पढ़ाएंगे 1885 तक, फिर 1885 से एक नया अध्याय हम आपके साथ शुरू करेंगे जो 1947 तक।
तो इसे हम अपने आप को यहां से, क्योंकि बिहार का जुड़ा हुआ है, अब यहां पर इस इतिहास के साथ साथ बिहार का भी इतिहास आपको पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, बिहार का इतिहास। अब ये जो इतिहास, बिहार का इतिहास है, इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे सेशन में हमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार के इतिहास में भी कुछ अहम चीजें पढ़नी है, पूरा पूरा एससीईआरटी। अब यहां पे आपको पूरा एससीईआरटी कवर करनी है और इतिहास का जो है यहां आपको एनसीईआरटी लेकर चलना है। तो मतलब इतिहास, इतनी इतिहास को अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो 45 दिन में किसी एक विषय को ही पूरा कर पाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है, अब मुगल काल का जो पतन पढ़ना है, उसमें पतन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में बार बार बीपीएससी पूछता है, उसको पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो क्रम से, उनको पढ़ लेना है। कौन कौन आए, जो वायसराय आए, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो प्रमुख युद्ध लड़े गए उनको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद तुरंत स्किप करके चलना है 1857 की क्रांति की तरफ। क्रांति के बाद फिर हम देखेंगे कांग्रेस का, जो कांग्रेस का गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना है, उनकी प्रमुख जैसे जो बिहार से जितनी चीज जोड़ी उनको भी एक एक करके पढ़ना है। फिर हम चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ, बात करें तो गांधी जी को छोड़ना नहीं है, गांधी जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, इनके अलावा आम अन्य टॉपिक है जहां से बीपीएससी में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए इतना ज्यादा है कि आपको इसमें भी चीजों को छांट छांट कर पढ़ना है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो इलोनी बी दुर्गेश के नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर सबसे बेहतर काम करने वाले, क्योंकि नोट्स में आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही दिए गए हैं जहां सबके परीक्षा में सवाल आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है और कम समय में चाहते हैं अगर आप बेहतर तैयारी करना, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी लेके, या जो आप घर बैठे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आपको कॉल नहीं लगती तो एक नंबर और है, उस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक विषय इतिहास है। तो अब अगर आप कहेंगे सर मुझे सिलेबस के हिसाब से इतिहास पढ़ाइए, तो मैं सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उन्होंने टॉपिकों को पढ़ाऊंगा जहां से आपके सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। मैंने भाग दो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आप रिविजन करिएगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस इतिहास को भी हम एक बंडल मतलब बना के दे देंगे, उस बंडल का काढ़ा आपको पी लेना है और उससे बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आएगा। अगर आप नसीब और किस्मत के धनी रहे तो बिहार में सरकारी शिक्षक बनने से आपको कोई माइकलाल रोक भी नहीं पाएगा। अब इतिहास के बाद बढ़ते हैं तो अगली जो बारी आती है वो आपकी भूगोल की आती है। अगली जो बारी है वो किसकी आएगी, अब वो भूगोल की आएगी। भूगोल को अगर हम देखें तो इसे और नाम से हम समझ सकते हैं, जब हम एससीईआरटी के दृष्टिकोण से देखेंगे इसी को हम ईवीएस भी अपनी भाषा में समझते हैं, इसे ईवीएस समझते हैं। अब भूगोल में अगर हम बात करें तो भूगोल में वैसे यहां पर तीन शाखा पढ़नी है, क्या क्या, एक भारत का भूगोल पढ़ना है, फिर विश्व, सब 40 दिन में ही पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, फिर उसके साथ साथ यहीं पर पर्यावरण पढ़ना है। और यह सारा टॉपिक एससीईआरटी भी होगा और एनसीईआरटी को। अब बताइए पूरे 40 दिन में अब भूगोल आपको जो पढ़ना है, इस भूगोल में भी कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। तो यहां पर भारत के भूगोल से ज्यादा सवाल आते हैं, भारत के भूगोल में भी भारत के परिचय से, उसकी बाउंड्री से, और उसकी हम बात करें तो सीमा रेखा से, तो जो परिचय से कम कम 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको हम सभी को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि यहां से कितने हद तक सवाल आते हैं उनको भी हमें फोकस करके चलना होगा। माने इतिहास में देखा जाए प्राचीन और आधुनिक से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सवाल ज्यादा आते हैं, और अगर भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल सवाल ज्यादा आते हैं। विश्व भूगोल में अगर देखें सौरमंडल है, नदी है, पर्वत है, पठार है, महाद्वीप है, और उसके बाद संसाधन भूगोल है, वो भूगोल जो बिहार स्पेशल से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां बिहार में भी डिस्कस कर लेंगे और इसके एनसीईआरटी सेशन में पढ़ लेंगे। इसके भी 60 नोट्स इलोनी बी दुर्गेश के हैं, चाहे तो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास भी जोड़ सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास से भी रिलेटेड यहाँ पर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। अब एक दो विषय हो गए इतिहास और भूगोल, इनमें भी मैं पूरा भूगोल नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा पर्यावरण नहीं पढ़ाऊंगा, उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा जहां से ज्यादा ज्यादा प्रश्न आते हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। मार्केट में जितनी भी किताबें हैं वो आप उनको लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी जीएसजी के विविध की प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे पीडीएफ फॉर्मेट में। अब इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अब हम दूसरी बारी जो आती है वो आती है संविधान की। अब यहाँ पे जो अगली बारी आती है वो आती है संविधान की।
जब हम संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान पूरा पढ़ना है। अब बताइए, इतना संविधान इतना ब्रॉड है कि आप अगर तैयारी करने के लिए पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि सर इसमें से क्या पढ़े और क्या छोड़े, तो इसलिए संविधान के में मैं उन्हीं तथ्यों को ज्यादा पढ़ाऊंगा जहां से ज्यादा सवाल आते हैं। कुछ को स्कीप करूंगा, कुछ को बड़ा पढ़ाऊंगा, कुछ को छोटा पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरी संविधान में पढ़ाकर मैं उन्हीं तथ्यों को पढ़ाऊंगा जहां से आपके परीक्षा में सवाल आता। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर भारतीय संविधान का जो विकास है वहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, संविधान निर्माण प्रक्रिया से जो है उससे सवाल पूछे जाते हैं, मूलाधिकार से सवाल आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत से सवाल आते हैं, जैसे अगर पंचायती राज व्यवस्था से सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे भाग है जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, मैंने उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जहां से आपके परीक्षा में सीधे सवाल आपको मिल जाए और कम समय में तैयारी करके आप सफलता ले लें, सक्सेस हो जाए। और आप ये मत कहिए सर मुझे सिलेबस के हिसाब से पूरा पढ़ाइए, अगर आप सिलेबस अभी, क्योंकि तैयारी के पहले अब जो रेगुलर तैयारी होती है उसमें सिलेबस पढ़ा जाता है, और जब परीक्षा की डेट निश्चित हो जाए तब हमें क्रैश कोर्स पढ़ना होता है, सिलेक्शन वाले टॉपिक पढ़ने होते हैं। जी हाँ, अब हम संविधान के साथ साथ अगर हम अगले विषय की तरफ बढ़े जो है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो यहाँ पर पूरा आपका जो करंट अवेयरनेस है वो पूरा आ जाता है, यहाँ पर पूरा करंट अफेयर आ जाता है, बिहार की योजना है और उत्तर प्रदेश को तो आपको है भले, लेकिन यहां से नहीं पढ़ना है। अब अर्थशास्त्र के साथ साथ जितना करंट से जुड़ा है वो पढ़िए, और कुछ बेसिक चीजें अर्थशास्त्र के उनको भी आपको पढ़कर रखना, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध बिहार से है। आप बताइएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस प्रकार से बिहार से है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और ये सभी नोट्स आपके शॉर्ट में, अर्थशास्त्र के भी नोट्स शॉर्ट में है, संविधान के हैं। अब इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं विज्ञान की तरफ। जब हम विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान भी कि भी तीन शाखाएं हैं, इसमें भौतिक है, रसायन है और जीव विज्ञान है, और साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी कंप्यूटर भी आपको पढ़ने हैं। मतलब हम विज्ञानों तीन पढ़ रहे हैं। अब तीन विज्ञान में क्या पढ़े, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछेगा, बीपीएससी की बात करें इसको भी हमें पूरे एससीईआरटी से ही पढ़ना होगा। और जब हम एससीईआरटी की बात करें तो इस एससीईआरटी में इसके शॉर्ट में आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और आप पूरे अगर हम बात करें इस विज्ञान की सीरीज जो नोट्स में लर्निंग विद दुर्गेश में है, अगर आप एक बार बैठ के पढ़ना चाहें तो एक दिन में आप एक एक विषय को पूरा समाप्त कर सकते हैं जितने भी सीरीज उसके अंतर्गत है, क्योंकि शॉर्ट में तैयार किया गया है और वही प्रश्न यहाँ पे, मतलब वही टॉपिक रखे गए जहां से प्रश्न ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे सर वन लाइनर है, जी नहीं, डिस्क्रिप्टिव है लेकिन टॉपिक वाइज है, ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो, याद करने में समस्या ना हो और किसी प्रकार की आपकी दिक्कत ना हो तैयारी करने में। और मैं भी आपको इसी तरह से क्रम में पढ़ाऊंगा और एक दिन में कोशिश करूंगा मैराथन में एक एक विषय को समाप्त करने के लिए। आगे अगर मैं बढ़ूं इसके साथ, अगर मैं अगले सेशन की तरफ बढ़ूं, अगली सीरीज की तरफ बढ़ूं, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि वहां पर आपको क्या पढ़ना है। अब यहां पर आपने पूरा देख लिया, विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, संविधान हो गया। अब मैं विविध की बात करूं, अगर हम विविध की बात करें तो जो पूरा विविध है ना, इसमें विविध पूरा बिहार जोड़ लीजिएगा। अब इसी के साथ बिहार स्पेशल आप सबका शुरू हो गया। अब बिहार स्पेशल में सब लोग बिहार स्पेशल की मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ना है, ये अभी पूरा एससीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हीं किताबों के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है। अब बिहार स्पेशल में बिहार की संस्कृति, बिहार कल्चर, बिहार की कृषि, बिहार का भूगोल, बिहार का सामान्य परिचय और बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख खेल, प्रमुख त्यौहार, तो इसके साथ साथ भारत में प्रमुख जो दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, बिहार के लिए कुछ स्पेशल, तो इतना आपको विविध में भी तैयार करना, जो विविध के साथ साथ बिहार स्पेशल भी आपके लिए होगा। अब ये देखते हैं कि कहां कहां से कितने प्रश्न आएंगे। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, विविध हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। इसके अलावा आप थियरी जो आप नोट से पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा, इन सबकी एमसीक्यू सॉल्व करनी होगी। एमसीक्यू की सीरीज चाहे तो आप यहां से भी ले सकते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर भी 5000 प्रश्नों की प्रश्न बैंक आपके लिए उपलब्ध है। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर डेली की डेली आपके लिए पढ़ती है, वहां से भी आप उसे तैयार कर सकते हैं। इन सभी विषयों की पड़ेगी क्रमवार रूप से। उसके अलावा आप मार्केट में जितनी भी किताबें मिल रही हैं खरीदकर प्रैक्टिस पर फोकस करिए। आप अगर प्रतिदिन 10 से 12 घंटे का समय देंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन पूरे टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सफलता और असफलता के बीच में बस इतना ही फर्क है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि असफल व्यक्ति जो है वो नहीं पढ़ता, केवल सफल व्यक्ति ही पढ़ता है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन बस इतना ही फर्क रह जाता है क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। दो YouTube चैनल पे क्लास चल रही है, एक सुपर टेट विद दुर्गेश सर और एक ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही, तो अभी आप टेलीग्राम पर
दुर्गेसर सर्च करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर सभी क्लास की लिंक, मेरी निःशुल्क क्लासेज आप लोग को मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर अगर आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे दुर्गेश सर्च करके, हर क्लास की वीडियो की लिंक, क्लास का शेड्यूल सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आप चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी सारे विषय को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गणित की तरफ, अब हम बढ़ते हैं गणित की तरफ, लेकिन उसके पहले एक बात और जान लेते हैं कि कहां कहां से ज्यादा ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैं यहां पर भी इस पर डिस्कस करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा सवाल किन किन टॉपिकों से आते हैं। उसके बाद तब हम लोग मैथ रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। पहले तो ये जान लेते हैं किन किन से क्या क्या प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें जीएस जीके विविध से, तो यहां पर जो सवाल है ना ये आपके 60 से 70 सवाल पूछे जाएंगे जीएसई के विविध से। और अगर हम बात करें बिहार और विविध से, ध्यान दीजिएगा बिहार व विविध से, और यहीं पर है आपका करंट। यहां से अगर देखा जाए तो कुल 15 से 20 सवाल आपको तैयार करने हैं। फिर इसके साथ साथ ये जो विविध है अकेले 10 से 12 सवाल लगेगा, करंट मिलाकर 20 सवाल। तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं गणित और रीजनिंग की। तर्कशक्ति, यहां से भी जो सवाल है ना वो 25 से 35 सवाल यहां से आएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहां पे नेगेटिव मार्किंग है और यहीं से आपको सिलेक्शन लेना है। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। बिहार स्पेशल इलानी पे दुर्गेश नोट्स में मिल जाएगा। अभी अगर आपको नहीं मिला होगा तो जितने लोगों नोट्स चाहे उन तक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसे उन तक पहुंचा होगा इसकी भी कॉपी आप तक वहां पर पहुंच जाएगी। विविध भी आपको अलग से पढ़नी है, बिहार की विविध पढ़नी है और टोटल विविध पढ़नी। करंट केवल बिहार से पढ़ना, करंट की अगर बात करें केवल करंट और विविध बिहार स्पेशल ये 8 से 10 प्रश्न आएंगे। इसलिए करंट पर ज्यादा जोर अभी मत दीजिएगा, वह परीक्षा नजदीक होने पर आप तक पहुंच जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है गणित की बात करें, गणित से सब लोग को डर लगता है। गणित में बहुत सारे टॉपिक है, सिलेबस देखने के बाद आदमी डर जाता है, तो डरिए नहीं। अब बिहार में भी ना अब आपको ये देखना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो गणित में और तर्कशक्ति में, गणित में अगर हम बात करें तो 8 से 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आप एक टॉपिक का 3 दिन पढ़ेंगे तो 27 दिन मतलब 40 दिन के अंदर आप पूरा गणित समझ लेंगे। उसमें जैसे परसेंटेज पढ़ना है, लाभ हानि बट्टा पढ़ना है, ब्याज पढ़ लेने हैं और मेंसुरेशन को पढ़ लेना है, वहां सवाल आते हैं, संख्या पद्धति पढ़ लेना है, औसत पढ़ लेता है, अनुपात समानुपात पढ़ लेता है, ग्राफ पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ 2-3 टॉपिक और हैं, वो मैं जब क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। उनको अगर आपने पढ़ लिया, उनको अगर आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानिए उससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं आएंगे, उससे बाहर आपके कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। डेली क्लास के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। तो रीजनिंग में देखा जाए तो ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, घड़ी हो गया, पासा हो गया, कैलेंडर से सवाल आ सकते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से होगा, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सीरीज हो गया, संख्या हो गया। तो इन सब चीजों से ज्यादा ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इन सबको प्रैक्टिस पर रखिए। अगर गणित आपकी वीक है तो गणित पर एनर्जी मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है 20 प्रश्न गणित के है और बिना कम मेहनत के अगर आप 15 कर पा रहे हैं तो 20 प्रश्न के लिए पूरी एनर्जी मत लगा दीजिए, बाकी पर लगाइए। क्योंकि अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, सुरक्षित स्कोर कितना होगा, अगर आपने 80 से 85 प्रश्न सही कर लिए बिहार शिक्षक भर्ती में, क्योंकि 120 प्रश्नों में, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन बिहार शिक्षक भर्ती में पक्का है। इससे कम भी मेरिट जा सकती है क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, एक फॉर्म पे कम से कम 1 से 2 से 3 दावेदार आपके लिए। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि 70+ अगर आप हैं, 70+ अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्नों को सही करते हैं तो भी आपको नौकरी आराम से मिल जाएगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब हमसे पढ़े तो ये मत कहें सर आपने सिलेबस में ये नहीं पढ़ा, सिलेबस में वो नहीं पढ़ाया, क्योंकि अब आपको यह ध्यान रखना होगा क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़कर इस सेशन में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको लगे नहीं वास्तव में ये वीडियो जो मैंने बताया एकदम फैक्ट आपके लिए है तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा। और अगर चाहते हैं कि फेसबुक ग्रुप पर आप जुड़े रहे तो उसके लिए लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख भेज देंगे तो आप यहां पर सभी क्लास वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नोट संबंधी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, नोट्स या ऑनलाइन क्लास समझे अगर चाहते हैं कि पूरी ऑनलाइन क्लास भी आप पढ़ सके घर बैठकर, तो उसके लिए लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास आपके लिए निःशुल्क रहती है, तो निःशुल्क क्लास मेरी जो होगी मैं आपके लिए डेली के डेली क्लास
के रूप में आऊंगा, लेकिन उसके लिए भी क्लास में जुड़े रहेंगे टेलीग्राम पर, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होती है कि क्लास देर से होती है, 10-5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन समय से लाइव रहेगा। मेरी जो क्लासेज होंगी केवल आप लाइव देख पाएंगे, बाद में उसे नहीं देख पाएंगे। उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश। प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जीएस की ऐप पे जाएंगे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप पर, वहां पे पूरी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, वहां पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो ये आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम है, वहां पर आपको पूरी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हिंदी मतलब पेपर जो फर्स्ट भाषा है उसे आप रिवीजन करिए, उसे हम नहीं पढ़ाएंगे। और बाकी जो ये जीएस के विषय हैं इनमें भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, गणित में भी मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप जानते हैं एक विषय को भी 40 दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। अब इन सारे विषय को समाप्त करना है और सारे विषय को पढ़ना है तो हमारे आपके लिए टेढ़ी खीर तो है ही है, लेकिन फिर भी हम और आप ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से कोर्स को पूरा डिजाइन करें ताकि आप कम समय में ज्यादा ज्यादा बेहतर स्कोर कर सके। इसके अलावा दो यूट्यूब चैनल और है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस पर भी क्लासेज आपकी डेली की डेली चलती है, सुबह 7 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, 11 बजे चलती है और फिर 3 बजे उस पर वीडियो होती है। बाकी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 7 बजे शाम के 7 बजे यहाँ पर आपकी गणित की सीरीज चलेगी और 9 बजे अगर हम बात करें तो जीएस की सीरीज चलेगी। अब आप हमें यही बताइएगा कि इसमें थियरी पढ़ेंगे या हमारे साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर एमसीक्यू की सीरीज पढ़ेंगे, जवाब आपका जरूर होना चाहिए। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे। और ये सीरीज ये शंखनाद आज से हो गया है, आज से आपकी 40 दिन की क्रैश कोर्स मिलनी शुरू हो जाएगी। बस वीडियो को दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। हाँ, नोट्स आप अगर पढ़ लेंगे तो ये सारे नोट्स आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे, कम समय आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। किताब से अगर है तो लुचंडा पढ़ लीजिए, जीएस जीके के लिए, बिहार के लिए, बिहार की किताबें बहुत मोटी हो जाएंगी फिर भी आप पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए आप हरेश अग्रवाल को पढ़ सकते हैं, कम में पढ़ना चाहते हैं तो लुचंड को पढ़ लें, क्योंकि गणित सवाल थोड़े सरल और कठिन आएंगे, कठिन वाले एकदम कठिन, सरल वाले आप लोग कर ले जाएंगे, सरल में रहेंगे। और अगर हम बात करें हिंदी के लिए तो बहुत सारी किताबें लुचंड ही पढ़ सकते हैं उसके लिए भी ठीक, लेकिन जीएससी के ना आपके लिए स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। एससीईआरटी की नोट्स आपको पढ़नी पड़ेगी, एससीईआरटी की नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर 1 से 2 दिन के बाद आपको ईवीएस की पूरी पूरी मिल जाएगी, सीरीज के रूप में मैं पढ़ा भी दूंगा और आपको उसके टॉपिक बाय टॉपिक भी मिल जाएगी। फिलहाल कोई सवाल कोई प्रश्न वीडियो में कमेंट करिएगा, आपका क्या सुझाव है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पर देखना शेयर करिएगा, कोई व्यक्तिगत सवाल ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। मैं भी जब भी फ्री रहता हूं मैं आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आता रहूंगा, बाकी जब भी मुझे समय मिलता है मैं रात में भी आपके लिए क्लास से रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जो दिन में आपके लिए पब्लिक हो जाया करेंगी आप उसे देख पाएंगे, बाकी रात में लाइव क्लासेज होंगी, इसे देखना ना भूलिएगा और समय से खुद भी जुड़िएगा, अपने सभी मित्रों को जोड़ के रखिएगा, क्योंकि अभी की बात हर हाल में एक सीट हमारा सिलेबस के लिए नहीं अब सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सिलेक्शन लेकर आना है, ये हम आपकी जिद है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। बाय बाय, सभी को बाय बाय, जय हिंद।